और नहाने धोने वाले चलती वड़ते हो जाता सुख का पिया रूप भगवान से निकली गए बस अगर का घोड़ा से मेरा लग गया तो दिमाग लगाया कि मैं इसको कोई युद्ध में नहीं हरा सकता और जय या जीत गया घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा तो दुनिया में सगड़ी सगड़ हो जाएगी और किसी का नाम नहीं। एक चालाकी करते भाई युद्ध में तो कोई हरा नहीं सकता, कोई तपस्वी अपने तप से हरा सकता है। और ये विचार ला के घोड़ा तो इंद्र ने पकड़ लिया और कपिल मुनि का आश्रम के बाहर बांध दिया। और कई रोज हो गए वो घोड़ा के नहीं चलता, वो 60,000 बेटे पोते थे सगड़ के, मैं बताओ बोला मूछ बनाए रखियो घोड़ा तो किसी ने पकड़ लिया दिखे। और ढूंढते ढूंढ जाते हैं कपिल मुनि का आश्रम के बाहर बंद रहा, बाबा जी ने कुछ नहीं दे रहा, बाबा जी भक्ति मलिन देख के घोड़े ने और ऐसे बोला रहा मोटे कितनी हिम्मत जो मारा घोड़ा पकड़ लिया और जाके कमर में लात मार देते हैं। क्या अनर्थ होता है पहले नंबर पे, क्या कहा छोटी लागी आँख खुली, इतना तेज
इतनी अग्नि थी आंखों में बाबा जी की, जैसे ही तपस्या बंगू हुई इतनी तेज अग्नि थी, जिधर भी दृष्टि डाले वह 60,000 करके रात 60,000 लड़के बेटे पोते जितने भी पेड़ हाथी घोड़े सब की निकल के भस्म हो गया। और काफी दिन हो गए सगड़ का पोता अंशुमान उभाने पैर हरा झाड़ा मुंह में लेके जाड़ चले और ढूंढता ढूंढता कौन देखो वहां आता है, देखे आश्रम के बाहर सब की लाश पड़ी और देख के चाचा वन रोने लग जाता है। यहाँ अंशुमान की मुलाकात गरुड़ से होती है और हमारे सनातन धर्म में गरुड़ बचवाने का यही कारण होता है कि गरुड़ ने मुक्ति का मार्ग बताया था। बोले बेटे क्यों रो, वैसे रो देखी मेरे चाचा ताऊ काका समुद्र में चल के भस्म हो रहा, अरे ऋषि के श्राप के जले से इनकी मुक्ति नहीं होगी। बोले मैं मुक्ति का साधन तो मैं बता दूं कि गंगा जी में इनकी अस्थियों को प्रभावित किया जाए तो वह इनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। बोला कड़ा भवश्या गंगा, और ध्यान देना जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आई थी। बोला गंगा वो नदी है जो सूरज लोक में देवताओं की नदी है, सूरज में बहती है। बोला मैं फूल लाने के सूरज में जा। बोला तू सूरज में नहीं जावे, गंगा धरती पावे। बोला क्यों पर आवे, तपस्या करे तावे, भक्ति करे तावे। इतनी बात कही थी गरुड़ ने और वह अंशुमान तपस्या में बैठ गया। 4 पीढ़ी तक तपस्या करी अंशुमान ने, 35,000 वर्ष तक तपस्या करी। फिर राजा दलीप आए, राजा दलीप ने 35,000 वर्ष तक तपस्या करी। ऐसे करते करते अगली पीढ़ी के जुम में लगा जा, 4 पीढ़ी तक कोई मैसेज नहीं। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आया और फिर आया खुली विष्णु भगवान की। क्या कहा नंबर 2 पर लेकिन लेख बताता है
गंगा की सात धाराएं थी सुरक्षित वाली जगह, तीन धाराएं पूर्व की तरफ कर दी, तीन धारा पश्चिम की तरफ, एक धारा विष्णु भगवान के वचनों में बंधी हुई और शिव जी के पास से पास आई थी और शिव जी का जो कर्मंडल से उसमें छोड़ दी और जटा के जरिए पृथ्वी पर निकाल दी। कैसे तीन नंबर पर ये कहा भाई तू भी मेरे।